और जय श्री केदार। ये सामने पूरा मंदिर का पूरा दृश्य। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आप लोग कैसे हो। सुबह के 4:30 बज गए और आज हमारे गुरुजी नवीन जोशी जी और पीओ जी जा रहे हैं केदारनाथ यात्रा। सुबह के 4:30 बजे यात्रा प्रारंभ हो गई है और ऋषिकेश से निकल लिए। सुबह थोड़ा लाइटिंग और रोशनी का, सुबह एकदम भोर होता जा रहा है, पहाड़ों में धुंध और लाइट की रोशनी गाड़ी की, और यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, केदारनाथ भगवान इस यात्रा को मंगलमय बनाए। पूरी यात्रा का आनंद लेना है तो हमारे ब्लॉग में अंत तक बने रहिए। ऐसे ऐसे सीन, ऐसे ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे कि केदारनाथ यात्रा कैसे करना है, कहां से जाना है, कब पहुंचना है, कहां रुकना है। इस बार ऊपर रुकने का प्लान था। हरिओम, टुडे वी आर गोइंग टू केदारनाथ यात्रा, केदारनाथ धाम, विच इज द होली पिलग्राम्स टू इन देवभूमि उत्तराखंड। वी वुड लाइक टू इनवाइट ऑल ऑफ यू कम एंड टेक ब्लेसिंग टू लॉर्ड शिव, द फर्स्ट आचार्य ऑफ योग एंड फर्स्ट योगी ऑन दिस प्लैनेट। ये देखिए, अब हमें माँ मंदाकिनी, माँ अलखनंदा के दर्शन हो गए सुबह सुबह, और फिर थोड़ा थोड़ा उजेला होता जा रहा है। अब लाइट की आवश्यकता शायद नहीं है तो लाइट बंद कर दी है गाड़ी की। और पीयू जी अभी और हम सब लोग उतर गए हैं नाश्ते के लिए, और यहाँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद फिर केदारनाथ यात्रा। ये देखिए नीचे का एकदम विहंगम दृश्य। ये देखिए ऐसे झरनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ थोड़ा संकीर्ण रास्ता है, और आज ऊपर रुकने का प्लान है तो ऊपर के लिए हम लोग घोड़ों के माध्यम से चल दिए हैं, और पूरी टीम ऊपर ही रुकेगी एकदम केदारनाथ के गोद में। भगवान केदारनाथ की बड़ी कृपा है, और रात होने के पहले पहले पहुंचना है, ये लक्ष्य है आज का। तो ये घोड़े लोग आना जाना, थोड़ा बारिश का मौसम, यहाँ एक स्टॉप के बाद फिर चल दिए, और आगे हम लोग पहुँचने का प्रयास करेंगे जिससे रात ना हो पाए, क्योंकि रात्रि विश्राम केदारनाथ के ऊपर ही है बिल्कुल। वाह, क्या बात है, वाकई थोड़ा कठिन यात्रा है केदारनाथ भगवान की। और इस यात्रा में लोग थोड़ा सोचते हैं जरूर कि कैसे हो गए, कैसे चढ़ेंगे। बस एक बार यात्रा स्टार्ट कर दीजिए, और चाहे जैसी चढ़ाई हो भगवान बुला लेते हैं। देखिए कैसे दाएं बाएं एकदम सांप की तरह सर्पनुमा पूरा ये यात्रा, ऊपर ट्रैक्टर भी है और अद्भुत नज़ारा है। जय हो, जय हो, जय हो हिमालय पर्वत भगवान की जय। ये थोड़ा प्लेन रोड आ गया है, और अब धीरे 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 शाम हो गई चलते चलते। और देखिए कैसे बादल छाए हुए हैं। इसके पहले ये यात्रा 2006 में, उस समय और इस समय में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए कैसे हाथ हिला रहे हैं,
वहाँ महेश भाई, प्रेमा जी, गुरु जी, ये देखिए कैसे पिट्ठू पे जाते हैं बच्चे लोग। वाह, हिमालय के साक्षात दर्शन। ये चार धाम यात्रा में ना हिमालय श्रृंखला अद्भुत है, हमेशा दर्शन होते हैं। और ठंडी तो थोड़ा अधिक है ही, बारिश होने की वजह से और ठंड बढ़ जाती है। खैर, भगवान केदारनाथ की बड़ी कृपा है, बड़ी शानदार ढंग से पूरी यात्रा धीरे 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 धीरे, देखिए एकदम शाम हो रही तो सूर्य भगवान की किरणें पड़ रही हैं हिमालय पर, तो ऐसे उजेला लग रहा है, बल्कि शाम होने जा रही है। देखिए चलते 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 ये 14-15 किलोमीटर की चढ़ाई ना बाबा केदारनाथ की, अद्भुत चढ़ाई। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, बम बम भोले, जय जय केदार बाबा। पीछे हिमालय पर्वत के दर्शन, साथ में यात्रा लगातार चल रही है, तो हिमालय और यात्रा का अनोखा संगम। देखिए कैसे तम्बू, कैसी दुकानें, कैसे अब चाय पियेंगे थोड़ा यहाँ हम लोग, और चाय के बाद देखते हैं देखो कैसा अंधेरा होता जा रहा है। और यहीं पे अब पंडाल में रुकना है भगवान। ये देखिए सामने केदारनाथ धाम पहुंचने की स्थिति, लाइटिंग हो गई है, अंधेरा हो गया है, यहीं पे सब घोड़े स्टॉप हो जाते हैं। यहाँ के बाद अब पैदल चलेंगे, फिर हम एक तम्बू में रुकेंगे जहाँ पे हीटर और वैसे गर्म कपड़े, बिजली, इस टाइप के तम्बू में रुकना है। तो सुबह सुबह एकदम गुरुजी जाग गए हैं, सभी लोग जाग गए हैं, और जागने के बाद प्राण क्रिया, प्राण योगा, योग भी चल रहा है इस यात्रा में। तो प्राण क्रिया योगा सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, गुरुजी, महेश भाई। और यहाँ जहाँ पे रुके थे ना एकदम गरम, यहाँ बिजली, हीटर सब, मतलब इस तंबू में कोई ठंड नाम की चीज़ नहीं थी। लेकिन हम लोग ने सुबह सुबह योगा प्रारंभ कर दिया है, योग के बाद भगवान के दर्शन। अभी लगभग लगभग सुबह के 5:30 बजने जा रहे हैं, और स्नान ध्यान करने के बाद ही भगवान केदारनाथ के दर्शन होंगे। तो सुबह सुबह योग, योग नित्य आवश्यक है। ये देखिए कैसे प्राण योग, प्राण क्रिया, ये सांस को छोड़ना, लेके बाहर को छोड़ना, बार बार छोड़ना, एकदम शरीर गर्म हो जाता है। और अगर ये नित्य प्रैक्टिस में लाए कोई भी व्यक्ति, तो हमें नहीं लगता है कि वो कहीं से भी उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम, उसके शरीर में कोई बीमारी हो। तो ये नित्य 15-20 मिनट से लेके 40 मिनट तक नित्य प्राण योग, चंद्र क्रिया, सूर्य क्रिया के बाद श्वसन क्रिया, और ये करते रहेंगे तो आपके शरीर और चेहरे पे एकदम चमक आ जाएगी, आपका शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो जाएगा, शरीर में किसी प्रकार की कोई चर्बी, कोई भी व्याधि नहीं रहेगी। तो हमेशा इस क्रिया को अपने जीवन में उतारें, और हमारे गुरुजी यही कहना चाह रहे हैं। ये देखिए आनंद आ गया, भगवान केदारनाथ की कृपा है हम लोगों के ऊपर। तंबू में रुकना आनंदमय था, सुबह से योग करना अति अति सुखमय। भस्त्रिका, भस्त्रिका क्रिया भी कर रहे हैं गुरुजी। ये देखिए, अब देखिए शरीर एकदम गर्म हो गया है, और इसीलिए हिमालय में योग किया जाता है, एकांत बासा झंझट न झांसा। जय हो, जय हो प्रभु,
जोशी जी, हमारे गुरु जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। इनका सानिध्य जो मुझे मिला है, मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई। जय बाबा केदार, जय सद्गुरुदेव भगवान। योगा के बाद मंत्रोच्चारण। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनां मृत्योर्मोक्षियमामृता। जय शक्ति जय शक्ति, जय काली जय काली, जय काली जय काली, जय गंगे जय गंगे, जय गंगे जय गंगे, जय मां जय मां, जय मां जय मां। तो योगा के बाद अब हम लोग तैयार होके बाहर निकल आए हैं तंबू के, और अब हम भगवान केदारनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम माँ मंदाकिनी के दर्शन होंगे। सुबह सुबह देखिए कैसे पहाड़ और हिमालय दिख रहा है, एकदम सुबह की छटा, अलग छटा है यहाँ। ये देखिए अब हम लोग गुरुजी चाय पीने के लिए रुक गए। चलिए चाय पीते हैं, थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं, इसके बाद भगवान बाबा केदारनाथ के दर्शन। ये देखिए चाय हम लोग की तैयार हो गई है, यहाँ चाय का आनंद अलग। हेलीकॉप्टर, वाओ, अरे हेलीपैड पहुँच गए। यहाँ तो हर मिनट हेलीकॉप्टर आ रहे हैं जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं जा रहे हैं। इतना बड़ा ये प्रांगण है ऊपर बाबा केदारनाथ के कि यहाँ पे आराम से हेलीपैड बना हुआ है और हर मिनट हेलीकॉप्टर आते जाते हैं। ये देखिए ये कैसे उड़ रहा है, एक पीला एक सफ़ेद, अभी पीला जा रहा है, मतलब आते हैं तुरंत चले जाते हैं, आना जाना लगा है बराबर। ये देखिए दूसरा आ गया। तो आप लोग हेलीकॉप्टर से आना चाहें तो आराम से आ सकते हैं, सामने बाबा केदारनाथ के दर्शन होंगे। ये देखिए दूसरा यहाँ से जा रहा है, टेक ऑफ गया। कितना सुंदर दृश्य है, हेलीपैड बहुत शानदार है, बिल्कुल बगल में है बाबा जी। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अब यहाँ से, और थोड़ी ही देर में भगवान के दर्शन होंगे। सुबह सुबह हम लोग को दर्शन होंगे, दर्शन लाभ मिलेगा। और ये देखिए सूर्य भगवान की प्रथम छटा, ये हिमालय के दर्शन। लाइन लग गई भाई सुबह से ही, अरे वाह। ये माँ मंदाकिनी, जय हो माँ मंदाकिनी। हम लोग थोड़ा मंदाकिनी जाएंगे, गुरु जी स्नान करेंगे यहाँ, शायद हम लोग की हमारी हिम्मत पड़ेगी तो हम भी करेंगे, देखते हैं। नीचे उतर रहे हैं और क्या तेज आवा, यू जी तो हाथ चूके चले आए वापस। जय हो माँ मंदाकिनी। ए गलीना जी, गलीना जी, वाह, जय माँ मंदाकिनी, जय माँ मंदाकिनी, माँ मंदाकिनी की स्पर्श, हम लोग स्पर्श ही कर लें। जय हो जय हो जय हो जय माँ मंदाकिनी। अब गुरुजी स्नान करेंगे, वाह, अरे वाह, इतने ठंडे जल में घुस गए। जय हर हर महादेव, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। सुन, एकदम शरीर सुन की स्थिति में पहुंच जाता है। वाह देखिए योगा की शक्ति ताकत, देखिए हमारे योग गुरु, चाहे इतना ठंडा हो चाहे इतनी सर्दी हो, शरीर एकदम, वाह। ये अब इस चट्टान पर गुरु जी बैठने जा रहे हैं, देखिए ये अनोखा दृश्य है, अद्भुत नज़ारा है। जय हो गुरुदेव भगवान, जय हो नवीन गुरु जी महाराज की, जय। वाह ध्यान लगा दिया है इस चट्टान। Shiva 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 Sh
स्नान ध्यान के बाद अब बाबा केदारनाथ की तरफ हम लोग चल रहे हैं। गुरु जी के स्नान सामने बाबा के केदारनाथ के दर्शन, केदारनाथ मंदिर, इतनी भीड़ सुबह सुबह, हिमालय का अनोखा नजारा सामने। जय बाबा केदारनाथ, जय हो प्रभु, बड़ी कृपा हम लोग पे, हमको बुलाए और गुरु के सानिध्य में अगर यात्रा हो तो धन हो जाता है जीवन। ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा, ये सूर्य भगवान की किरणें जब पहाड़ पे पड़ती हैं तो गोल्डन, और जय श्री केदार, ये सामने पूरा मंदिर का पूरा दृश्य, चारों तरफ लोग, जय हो जय बाबा केदारनाथ, अद्भुत नजारा, सुंदर दृश्य। इस साइड से भी भगवान केदारनाथ मंदिर के पूरे शिखर के दर्शन, और ये हिमालय का पर्वत, और ये देखिए ये दूसरे एंगल से बाबा के दर्शन। ये थोड़ा हम लोग पीछे आ गए, और इस साइड से पूरा मंदिर का दर्शन। तो आप लोगों के लिए तो शिखर के दर्शन होना ही, भगवान के दर्शन होना है, और थोड़ा धूप खिल गई एकदम आनंदमय। अब इस धूप का आनंद आ रहा है, देखिए चारों तरफ बाबा के कैसे कैसे भक्त, कैसे कैसे साधु सन्यासी अपनी अपनी टोली सजाए इतनी सर्दी में, ऐसे जय हो जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, मेरे केदारनाथ भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये शिखर का एक और एंगल, जय बाबा केदार। ये देखिए कितने पत्थर शिवलिंग इस टाइप से यहाँ प्रांगण में हैं, और कितनी सारी मूर्तियाँ हैं, कितने सारे पत्थर सजा के रखे हैं, वाओ अनोखा दृश्य, गुरुदेव भगवान के दर्शन, सुबह का नज़ारा। और अभी यहाँ कार्य प्रगति पर है, एक केदार लोक भी बनने जा रहा है। इस गवर्नमेंट में यहाँ उत्तराखंड में बहुत काम हुए और बराबर कार्य चलते रहते। आपदा के बाद यहाँ का दृश्य जो रहा, लेकिन इस समय प्रगति चल रही है कार्य में, यहाँ पे भी बद्रीनाथ में भी। जय बाबा केदार, सभी भक्तों की सभी स्नेहियों की मनोकामना पूर्ण हो, ये हिमालय पर्वत का और भगवान केदार बाबा के मंदिर शिखर के दर्शन। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। देखिए अब जैसे ही धूप खिली और लोगों की संख्या बढ़ गई, कुछ भी नहीं बिगड़ा था इतनी बड़ी आपदा में इस मंदिर का। ये है भगवान की शक्ति, इसलिए हमेशा नित्य भगवान से जुड़े रहना चाहिए, हमेशा भगवान से जुड़े रहना चाहिए। ध्यान लगा दिए गुरुजी तो यहाँ पे एकांत में। ये पीछे साइड यहाँ कार्य चल रहा है, और हमारे सभी लोग ये दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए हैं, और दर्शन के बाद यहाँ का एक और नज़ारा, ये चारों तरफ का अद्भुत नज़ारा है। जय बाबा केदार, पुरानी स्मृतियाँ, यहाँ पे भी लोगों की भीड़ लगी हुई है। का आधार है कुछ किसी धर्म का तो है सनातन धर्म। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले ध्वनि की उत्पत्ति होती है, नाद की, इसका मतलब योग से जुड़ी है आप। दूसरा उसके बाद किसकी उत्पत्ति होती है, स्पेस आकाश की, खालीपन की, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, और वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। अब लेकिन कोई कह दे कि वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है तो आप कैसे मानोगे, उसको सिद्ध कैसे किया जाए?
उसके लिए उदाहरण ये है कि एक दीपक जला दो और उसको ढक दो, उसको ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा? बुझ जाएगा। बुझ जाएगा। क्यों बुझ रहा है? क्योंकि हवा नहीं है। क्योंकि उसका जो जन्मदाता है उससे उसका संपर्क समाप्त हो गया। और जब दीपक जलाते हो तो वो किधर जाता है? हेलो बेटियों, इस केदारनाथ बेल्ट में जो हमने देखा एक चीज कि पूरे लोग धनाढ्य, धन धान्य, सब करोड़पति अरबपति, सब करोड़पति अरबपति, और मैगी के लिए सब लोग रुक गए हैं और दोबारा नाश्ता हो रहा हम लोगों का। और फाइनली हम लोग वापसी नीचे आ गए और धीरे 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 गौरी कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये शानदार झरने का दृश्य बारिश की वजह से और ही आनंदमय। तो ये गौरी कुंड आ गया है, यहाँ पे ही, यहाँ से ही हम लोगों की यात्रा प्रारंभ हुई थी और यहीं पे समापन, यहीं से हम लोग अपनी बाइक कार गाड़ी से वापस जाएंगे और यहीं पे हम लोग अभी अपने पंडा जी से मिलने जा रहे हैं। और यहाँ पे पंडा जी एक गौरी कुंड में भी भगवान केदारनाथ के दर्शन होंगे और यहाँ पे दर्शन के बाद ये देखिए, ये शादी के लिए गर्ग आचार्य उनके कुलगुरु थे जो कि द्वापर में भगवान ऋषि के कुलगुरु थे। कौन थे? गर्ग, गर्गाचार्य, ऐसे गर्गाचार्य। और गर्ग ऋषि शंकर के घर स्वयं ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा जी ने और गर्गाचार्य जी ने शादी संपन्न की। और भगवान विष्णु जैसे आजकल गणेश शादी करते हैं ना, तो भगवान विष्णु को शादी करके ये शादी की थी। भगवान की लेफ्ट हर बॉडी देन अगेन सी रीइन्कार्नेशन विद द न्यू बॉडी विद द पार्वती, पार्वती मैरी हियर विद द सेवा एंड Narayana, the Vishnu is played the role of the as a brothers, and the priest of Lord Brahma is a priest. यहाँ पर चार कुंड, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और सर। ब्रह्म कुंड रुद्र कुंड पहले दो कुंड स्थान के, तीसरा विष्णु ने उसे नाम लिखा। चौथा सरस्वती कुंड है, उसमें पितरों को जल दिया जाता है, पितरों को जल देते हैं जिनके माता पिता गुजर रहते हैं। आजकल कन्या का श्राद्ध है, आज तीज का श्राद्ध है, चौथा श्राद्ध है। और भगवान अंदर भगवान नारायण लक्ष्मी सरस्वती का मंदिर है। और तीन की धुनी है, ये है अंदर भगवान के मंदिर के गर्भगृह में कोई प्रवेश नहीं करता, बाहर से दर्शन होंगे। आज पूजा यहीं पर, पूजा अंदर नहीं होगी। ठीक, ये बता दो उनको, बस हो गया, बता दो। हमें विवाह प्रवेश निगमे रहा संग्रामी संघर्ष्य थे शुक्लाम वर्णम देव सदैव चतुर्ण प्रसन्न वर्णम ध्यानो प्रशांत लाभस्तेषाम जयस्तेषाम कुतुपेशाम पराजय तेषाम इंद वृश्यामो जैसो जनार्दनम ओम गंगे यमुने शिव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले संधिम गुरु थोड़ा थोड़ा चावल ओम ऐसा करके ओम पुष्णा ध्यान देवानी गंगा जहा सर ससरा आगछन तो महाभागा पौचाण्यम पूजा काले सरा महासे ढक लो लोटा ऐसा करके ढक लो लोटा तुमेव जगत पिता यार्चितम देहि मे नित्यम तीर्थराज नमस्तुते। अच्छा अब धीरे धीरे से ये फूल है ना, ये फूल से इसमें जल चाहिए है ना, फूल इन्हीं से या दूसरे फूल से जल। ओम हरि ही ओम सह जगन्नेनाश महिमा तो जायाखा पारो नक्षत्रिम व्याप्त अच्छा इसको रखो हाथ में, ये है कन्यादान जी जाओ। लोग यहाँ पर जो है वस्त्र बुस्त्र लाते हैं, वस्त्र तो आप थोड़ा बहुत पैसा रखना है वस्त्र के ऊपर। यहाँ पर सारी धोती है, माता पार्वती का कन्यादान होता है, यही सब हाथ में पड़ता है। स्वाहा, इधर से आ जाओ।
चारों कुंडों की पूजा अर्चना यज्ञ समापन के बाद अब हम लोग यहाँ से वापस की यात्रा प्रारंभ करेंगे। जय बाबा केदारनाथ, जय केदारनाथ, जय केदारनाथ। पंडा जी से मुलाकात और पंडा जी के यहाँ एंट्री, इसके बाद हम लोग बाइकार अपना सामान रखने के बाद निकलेंगे। यहाँ पूरे कई जन्मों का हिसाब मिल जाएगा आपको, सबके नाम मिल जाएंगे, कौन कौन कब कब आया। ये देखिए, जय बाबा केदारनाथ, जय भोले बाबा। भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इस ब्लॉग में जितना आनंद आया, इस यात्रा में जितना आनंद आया, अद्वितीय। और हम लोग की कार वापसी के लिए चल दिए। जय जय केदारनाथ, हर हर शंभु, जय माँ मंदाकिनी, जय जय सीताराम, जय जय शिव शंकर, जय भोले बाबा, जय बाबा केदार, जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय सियाराम। इस ब्लॉग को अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो हमारे ब्लॉग को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम।